वेलकम टू माय चैनल डीबी ब्यूटी पॉइंट। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि घर में हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम घर में हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हमें इजीली हमारे घर में ही मिल जाएंगे, तो आपको बाहर से कुछ भी लाना नहीं है, आपको इजीली हम सब कुछ मिल जाएगा और बहुत ही ईजी है। इसकी सिर्फ 4 स्टेप है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी क्या क्या है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बालों को ऑयलिंग करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए 3 स्पून कोकोनट ऑयल और 1 स्पून कैस्टर ऑयल। इनको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हमें अपने हेयर पे अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। पहले हमें 2 सेक्शन निकाल लेने हैं, 2 पार्ट में अपने हेयर को डिवाइड करना है। उसके बाद ऑयल लेकर अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करना है। अपनी फिंगर की टिप्स से हमें ऑयलिंग करनी है। अच्छे से स्कैल्प पे हमें ऑयल लगाना है और फिर हमें और सेक्शन निकालते जाना है और उसमें हमें ऑयलिंग करनी है। कोकोनट ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बालों को तेज़ी से बढ़ाता है और अगर आपके बाल पतले हो गए तो उसको थिक करता है। और कोकोनट ऑयल में पाए जाने वाला एसेंशियल फैटी एसिड और विटामिन बालों को जड़ों के आसपास जमा होने वाले सीबम को हटाता है। तो छोटा सेक्शन लेकर ही लगाना है। अगर आप पूरे बालों में एक साथ ऑयल करेंगे तो अच्छे से नहीं लग पाएगा, इसलिए छोटा छोटा सेक्शन लीजिए और अपने फिंगर की टिप्स से अच्छे से ऑयलिंग करें। कैस्टर ऑयल यूज़ किया है। कैस्टर ऑयल में एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हेयर को हेल्दी बनाने के साथ साथ डैंड्रफ, दोम हुए बाल और जो स्कैल्प में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है उसको दूर करते हैं। हमने बालों में अच्छे से ऑयल लगा लिया है, अब उसके बाद हमको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बालों की मसाज करनी है। अपनी फिंगर से मसाज कीजिए, नेल्स से ना कीजिए, अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। ऑयलिंग हो गई, अब उसके बाद है स्टीम की बारी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्टीम कैसे लें, क्योंकि पार्लर में तो वो स्टीमर होता है, उसकी हेल्प से अच्छे से स्टीम ले सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, हमें एक टॉवल को गर्म पानी में डिप करना है और इतना गर्म पानी लेना है जितना आपका हाथ सह सके, आपका सर सह सके, और आपको इसको 15 मिनट तक के कवर करके रखना है। अब इसके बाद हमारे को लगाना है हेयर मास्क। तो उसको बनाने के लिए आपको चाहिए है एलोवेरा। तो इसको अच्छे से कट करना है, उसका हमको जो जेल होता है वो ही लेना है। अगर आप चाहे तो बाहर का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर का एलोवेरा लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप जो हो सके तो घर का ही एलोवेरा यूज़ करें। एलोवेरा जेल निकल गया है, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड करेंगे और फिर अब हम इसमें 1 टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छा सा पेस्ट जैसा बना लेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको स्पून से मिक्स कर रहे हैं तो ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम एक जार में लेकर इसको अच्छे से इस मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही हम लगाएंगे तो एलोवेरा हमारे बालों में चिपकेगा, तो हेयर वॉश करने के बाद वो अच्छे से नहीं निकलेगा। इसलिए हम इसको ये सा पेस्ट बना लेंगे जो आपको लगाने में भी बहुत इजी से लग जाएगा और हेयर वॉश के बाद वो इजीली निकल जाएगा। हाँ जी, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपके बालों पर कैसे लगाना है। तो उसको आपको 2 पार्टों में आपके बालों को डिवाइड कर लेना है और छोटा छोटा सेक्शन लेकर ही आपको इसको अप्लाई करना है। अगर आप छोटा छोटा सेक्शन लेकर इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजिली अप्लाई हो जाएगा, अगर आप पूरा पूरा बड़ा बड़ा करेंगे तो ये अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो आप थोड़ा छोटा छोटा सेक्शन लें और इसको अप्लाई करें। तो इसमें हमने दही ऐड किया है। दही में एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो बालों से डैंड्रफ को हटाते हैं और स्कैल्प को साफ कर देते हैं। दही में कैल्शियम के अलावा विटामिन B5, मिनरल, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रॉपर्टीज होती है जो हेयर की डलनेस और ड्राइनेस को दूर करते हैं और बालों को शाइनी बनाते हैं और स्मूथ बनाते हैं, और ये अच्छे कंडीशनर की तरह भी काम करता है। तो देखा आपको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ मैं छोटा छोटा सेक्शन ले रही हूँ,
बालों का छोटा पार्ट लिया और उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इजीली लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है और ये अच्छे से लग जा रहा है। और अपने बालों के एंड में अच्छे से उसको लगा लें, क्योंकि वहाँ बाल हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से लगा लें और अच्छे से इसका बना के आप इसको आधे से एक घंटे के लिए लगा कर रखें। और उसके बाद आपको शैम्पू करना है। शैम्पू के लिए आपको शैम्पू लेना है और उसमें पानी ऐड करके शैम्पू करना है। डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो शैम्पू लीजिए, उसमें पानी मिक्स कीजिए और उसके बाद शैम्पू कीजिए और बालों को एयर ड्राई होने दें। ड्रायर का या किसी भी चीज़ का यूज़ ना करें और उसके बाद आपके बाल एकदम शाइनी और घने नज़र आएंगे। देखा आपने घर में हेयर स्पा करना कितना आसान है। तो ये हमारे जो डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, इसे रीप देता है, तो ये हमारे बालों को डीपली हाइड्रेट करता है और नरिश करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो हमारे बाल हैं को स्मूथ और शाइनी बनाता है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।